हेलो स्टूडेंट्स, आज आम बायोमलिकुलर पार्ट टूटा डिस्कशन करवा। आ पूर्व पार्ट रे आम अमीनो एसिड और प्रोटीन विषय पढ़ी, तो आज आम स्टार्ट करवा कार्बोहाइड्रेट्स रु, जोटा कि तुम ओडिया श्वेत सार बोली कह। देख पे के खाइबा थी, ए सब खाइबार भरपूर मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी, जोटा कि डेफिनेटली आम शरीर पर भल। पे कार्बोहाइड्रेट रे मेनली हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन थाए। तो कार्बोहाइड्रेट विभिन्न प्रकार होता है, जमीक मनोसाकाराइड जोटा कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, केवल गोटे यूनिट थी कार्बोहाइड्रेट बा सुगर, ताको आम कह मनोसाकाराइड। उदाहरण स्वरूप ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज और स्ट्रक्चर तुम देखिपार थो, मैंने गोटे जदि सिंपल यूनिट रहा सुगर कार्बोहाइड्रेट रहा मनोसाकाराइड कह। सिंपल डाइसाकाराइड जितने दुईटे मनोसाकाराइड मिसीजे जॉइंट होता है डाइसाकाराइड कह। ऑलिगोसाकाराइड जितेबाद दुई रु अधिक एवं दस रु कम मनोसाकाराइड मैंने जॉइंट होकर गोटे चेन तैयारी करेंगे, ताको आम ऑलिगोसाकाराइड कहवा। एवं पॉलीसाकाराइड क्या कहवा, ना जो हंड्रेड रु थाउजेंड पर्यंत मनोसाकाराइड मैंने जॉइंट होकर बड़ बड़ कार्बोहाइड्रेट श्वेत सार तैयारी करती, ताको आम पॉलीसाकाराइड कहवा। तुम स्ट्रक्चर देखा तो पे ग्लुकोज और फ्रुक्टोज स्ट्रक्चर दिन अलग अलग, किंतु दुजर फर्मुला हूँ C6H12O6। ये पे कि कमन डाइसाकेराइड मानक ना देती, जमीक सुक्रोज ना शुभ, तो गोटे ग्लुकोज गोटे फ्रुक्टोज मिलन या लाक्टोज गोटे गैलाक्टोज गोटे ग्लुकोज मिलन या माल्टोज गोटे ग्लुकोज आउ गोटे ग्लुकोज सहित मिसीगले माल्टोज हो। तो युवा तुम एक्जाम आसपिले कौ दुटा यूनिट को नहीं माल्टोज या कौ दिन यूनिट को नहीं लाक्टोज या क्वेश्चन। एबे देखिबा आसो, जेतेबेले गोटे यूनिट्र सुगर आउ गोटे यूनिट सुगर से मिसी जाती, बंध तैयारी करती, बंड करती, कौन कहती कहते ग्लाइकोसिडिक बंड, जमीक आज यूजुआल तुम बाकी बंडस मान फर्मेशन बेले पढ़ी दुटा सुगर मलिकुल पाखापाखि आसिले से पाखु वाटर टा रिमुव हो गोटे ग्लाइकोसिडिक बंड हो। मैंने गोटे सुगार चेन रे गोटे श्वेतसार चेन रे जो दुटा यूनिट था दुटा यूनिट मानक भितर कौ बंड अच्छी ना ग्लाइकोसिडिक बंड अच्छे। एबे पिले देखिया पॉलीसाकाराइड्स, एटा गोटे लॉन्ग चेन सुगर रहा भितर कि बहुत गुडे मोनोसाकाराइड माने थांती, एवं आहार राइट एंड को रिड्यूसिंग एंड कह जाए और लेफ्ट एंड साइड को नॉन रिड्यूसिंग एंड बोली कह जाए। तो उदाहरण किसी पॉलीसाकाराइड है ग्लाइकोजेन, सेल्युलोज, स्टार्च, पिले ना सब सुनी थियो तुम्हें सेल्युलोज स्टार्च प्लांट रे सब रहे बोले कि। तो गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाउ डू नो इफ ए कार्बोहाइड्रेट इज ब्रांच्ड और नॉट, तुम्हें कमी जान गोटे कार्बोहाइड्रेट ब्रांच कि नुह ना। सम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन होल्ड आयोडीन व्हिच इज ब्लू इन कलर, सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हेंस कैन नॉट होल्ड द आयोडीन। पहले जो ग्लाइकोजेन और स्टार्च तुम देखो तो ब्रांच होती, तुम आयोडीन पकेल तो आयोडीन मैंने जो ब्रांच मानक अटक जबार चान्स अच्छी, तो मैंने से आयोडीन गुटा ब्लू कलर तुम जानो, तुम तुम अटोमेटिकली तुम देखी जापार जो ब्लू कलर होगा सुगर टा ब्रांच थी बोल के, आदि अटकिलानी सुगर टा जो आयोडीन टा खसीगला से सुगर से ब्रांच नुह अनब्रांचड। तो यह भाव में गोटे सुगर टे ब्रांच कि नट ब्रांच तुम जापर। एबे किसी पॉलीसाकाराइड्स मानक फंक्शन देखा, जमीक स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू रेटा एनर्जी वाला काम करे, स्टोर कर फूड को स्टोर ही रखे साज्य करे। ग्लाइकोजन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन एनिमल सेल, आम मानक सेल ले ग्लाइकोजन आकार स्टोर हो रहा है। इन्युलिन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन सम प्लांट्स लाइक डालिया, डालिया गच्छरे इन्युलिन ही स्टोर हो रहा है। सेलुलोज द मोस्ट एबंडेंट इन बायोमोलिक्यूल, सब अधिक बायोमोलिक्यूल हूँ सेलुलोज ही था, जोटा कि प्लांट सेलवल में थाए और पेपर जो तैयार होती तार पेपर पल्प पेपर मंडरे थाए। काइटिन गोटे कम्प्लेक्स पॉलीसाकाराइड, गोटे बहुत ब्रांच कम्प्लेक्स पॉलीसाकाराइड जोटा कि फंगाई मानकर कबक मानकर सेलवल में थाए और आर्थ्रोपोडा मानकर एक्जोस्केलेटन में थाए और पेप्टिडोग्लाइकन पिले जोटा कि बैक्टेरिया सेलवल में थाए। जितने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया पढ़ी जितने पढ़ी पेप्टिडोग्लाइकन कॉन्स्टिट्यूएंसी विषय, तो से पेप्टिडोग्लाइकन हूँ गोटे प्रकार पॉलीसाकाराइड। एबे पहले डिस्कशन करबा लिपिड्स, जो कुडाक हमें स्नेह सार बोली कहबा, जेमते स्वत सार मध्ये पे इंपोर्टेंट स्नेह सार भी सेतिक की इंपोर्टेंट। पहले लिपिड बा स्नेह सार रा वाटर इनसॉल्युबल, सो वाटर को घृणा करे तेनु करे हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो लिपिड गोटे उदाहरण होचे फैटी एसिड, जोटा गोटे सिंपल लिपिड। तो सेथरे कोन होवे ना गोटे वेरिएबल ग्रुप गोटे कार्बोक्सिल ग्रुप संग अटैच हेते, त गोटे आर हाइपेन COOH, तो से आर रा वैल्यू टा किछि भी हो पारे, मिथाइल CH3 हो पारे, C2H5 हो पारे, किबा किछि भी कार्बन केते भी कार्बन रह पारे, केते किंतु 19 टा रो कम थे दरकार, त माने COOH रहले ताकु बाद दे कि आर टोटल तमरो 19 टा कार्बन रह परबो। तो फार्मूला होची जदी तमरो कार्बन संख्या दर एन थिबो
तो हाइड्रोजन केत रही सी 2N+1 लिख CH3 धर कार्बन टा हूँ गोटे एच केत तीन टा अच्छी 2×1+1=3 से कार्बन दिटा मान 2N+1 2×2+1=5 सेमती भाव तुम कार्बन को आ हाइड्रोजन को कैलकुलेट कर उदाहरण सब पामेटिक एसिड कार्बन 15 अच्छी 15 कार्बन प्लस हाइड्रोजन केत रहा 15×2+1=31 कार्बन गोटे सीओओएच टोटाल कार्बन केत रहा 15 एटी रहा सीओओएच गोटे रहा टोटाल 20 कार्बन को लेकिन पामेटिक एसिड या आराकिडोनिक एसिड रे कार्बन हूँ 19 रहा साइड चेन वेरिएबल ग्रुप रे तो हाइड्रोजन केत रहा 2N+1 19×2+1 38+1=39+ गोटे कार्बोक्सिल कार्बन तो टोटल कत कार्बन रहा 20 कार्बन तो यही भाव में फैटी एसिड को मन रखी पारे जोटा कि बहुत सिंपल पहले किसी अच्छी एसेनसीयल फैटी एसिड किसी नॉन एसेनसीयल फैटी एसिड जो फैटी एसिड गुड़ाक जो ऑर्गेनिज्म माने मैमल्स माने निज बॉडी भितर सिंथेसाइज करि पारंती नाही खाद्य माध्यम ग्रहण करंती जेमते हमें अमीनो एसिड रे पढ़ीतिले ताको हमें कहवा एसेनसीयल फैटी एसिड एवं जो फैटी एसिड मानकु आम बॉडीटा प्रोड्यूस करि पारे ताको हम खाद्य रे ऑब्टेन करया दरकार करवा दरकार नहीं नॉन एसेंशियल फैटी एसिड बोले गोटे सिंपल करेक्शन करदे मस्ट नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम फूड फूड ऑब्टेन करा दरकार नहीं तापर पहले आउ गोटे फैटी एसिड एग्जांपल छ ग्लिसेरॉल तुम पहले चित्र देखि पाथु CH3OH लिखि देले तीनटा तापर CCC को तुम जॉइन कर देले गोटे बॉन्ड माध्यम रे तो सेटा होची ग्लिसेरॉल रो तुमरो स्ट्रक्चर टा सम लिपिड्स मे कंटेन बोथ ग्लिसेरॉल और फैटी एसिड तो फैटी एसिड गोटे प्रकार लिपिड ग्लिसेरॉल आ गोटे प्रकार लिपिड बेले बेले कोन हुए ना किछि फैटी एसिड मानक भीतर उभय लिपिड आ उभय ग्लिसेरॉल और फैटी एसिड थांती पहले फैटी एसिड को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे सैचुरेटेड फैटी एसिड गोटे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पहले जहाँ भी हेले अति कम रे गोटे डबल बॉन्ड थिबो आउ सैचुरेटेड फैटी एसिड टोटली डबल बॉन्ड नहीं कार्बन कार्बन भितर ठीक अच्छे तेज कार्बन कार्बन भितर जो डबल बॉन्ड गोटे रही अनसैचुरेटेड कहवा जी कार्बन कार्बन भितर डबल बॉन्ड नहीं आम सैचुरेटेड फैटी एसिड बोली कहवा तो तुम कि भल कौटा ना तुम कि भल हूँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कारण जो डबल बॉन्ड रही हाइड्रोजन हाइड्रोजन भितर गैप हो गैप हो गला मैंने आम देह भल से इजिली आम शरीर में मेल्ट हो जाए बट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड खाइल आम बॉडी में चर्बी भाई डिपोजिट होम कहीं ओबेसीटी मोटा हो जाती हाँ सब चेस्टा कर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को खाया जमी चित्र देखी पाते पहले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टिक मराई सैचुरेटेड फैटी एसिड जोड़ा कि मांस थाए दुग्धजात द्रव्य थाए तो से सब जिनको अवॉइड करवा बेटर एबे पहले देखा फैट आउ ऑयल भितर डिफरेंस कौन तो सोर्स हूँ फैट रोज मेनली एनिमल एनिमल को देह को जो गुड़ाक मिले तुम ऑयली जिन स्नेह सारा फैट कहवा और प्लांट मानक जो स्नेह सारा मिले आम ऑयल कहवा फैटी एसिड था एनिमल मानकर सैचुरेटेड तेणुक एनिमल मानकर भितर जो फैटा आसो खाइबाटा भल नुह जमी क्षीर जो फैट रोचे कि पनीर जो फैट रोचे दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ बट ऑयल मानक भितर जो फैट जो था जो लिपिडटा था दैट इज गुड दैट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बर्निंग हूँ फैटी एसिड फैट मानकर नो डबल बर्न बिकज दे आर सैचुरेटेड आउ ऑयल मानकर डबल बर्न था बिकज दे आर अनसैचुरेटेड रूम टेम्परेचर रे फैट माने हेले सॉलिड आउ रूम टेम्परेचर रे फैट ऑयल माने प्राय लिक्विड थान तेणु ऑयल मानकर मेल्टिंग पॉइंट लो एवं फैट मानकर मेल्टिंग पॉइंट हाई लिपिड्स मानकर फंक्शन कौन दे सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी आमको एनर्जी शक्ति प्रदान करे दे आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन आम सेल मेम्ब्रेन पे थाए लिपिड मन थी लिपिड्स बाय लेयर दे आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन सच एज बैक्टीरिया प्लांट्स इनसेक्ट एंड वर्टिब्रेट्स ए समस्त मानकर बॉडी आउटर मेम्ब्रेन रे आउटर कवरिंग रे जेतु लिपिड माने थांती तो से माने से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करती एबे से पहले गोटे इम्पोर्टेंट पॉइंट जोटा कि न्यूक्लिक एसिड जोटा कि तुम डीएनए आरएनए पे डीएनए और आरएनए फुल फॉर्म को निहाती मन रखिबो आरएनए फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड तुम स्ट्रक्चर जानी पार्थु और डीएनए दुईटा स्ट्रैंड परस्पर सहित छंदी अच्छा आरएनए मात्र गोटे स्ट्रैंड रही डीएनए आरएनए पार्थक्य कौन बेसिक पार्थक्य ना डीएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को प्रथम न्यूक्लिक एसिड को प्रथम मेसर नामक जो साइंटिस्ट डेवलप डिस्कवर करते पस सेल पूज सेल रु तार ना देते न्यूक्लीन तो न्यूक्लिक एसिड गुड़ाक
मेचे गुड़े न्यूक्लियोटाइड मान को नहीं या तो जमी तुम एमिनो एसिड को लेकिन प्रोटीन या मोनोसैकेराइड मान को लेकिन पॉलीसैकेराइड या सेमती न्यूक्लियोटाइड्स मान को लेकिन न्यूक्लिक एसिड या तो ये देखिए पे न्यूक्लियोटाइड थाए कौन पे न्यूक्लियोटाइड तीन टा पार्ट थाए गोटे नाइट्रोजिनस बेस गोटे सुगर गोटे फॉस्फेट गोटे सुगर मॉलिक्यूल संगे गोटे पट लगे नाइट्रोजिनस बेस गोटे पट लगे फॉस्फेट तीन टा जिन मिसीगले आम कह न्यूक्लियोटाइड एवं जितेबले न्यूक्लियोटाइड रो आम गोटे सुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल को बाहर करदे आम कह न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट तमें न्यूक्लियोटाइड कौन अच्छे जानले गोटे नाइट्रोजिनस बेस गोटे सुगर गोटे फॉस्फेट एवं ए तीन टा को मिसे जो न्यूक्लियोटाइड है से माने परस्पर सहित गुंथी है कि गोटे न्यूक्लिक एसिड तैयारी कर तमें जमी चित्र देखि पाथव तो फास्ट आसे पे न्यूक्लियोटाइड प्रथम कंपोजिशन नाइट्रोजिनस बेस जो मानकर कि नाइट्रोजन थाए जो मानको स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस थाए तो ये नाइट्रोजनस बेस माने हेले साइक्लिक स्ट्रक्चर हला साइक्लिक माने रिंग लाइक स्ट्रक्चर ए माने द्वि भाग विभक्त गोटे प्यूरीन गोटे पिरीमिडिन प्यूरीन मानकर डबल रिंग स्ट्रक्चर देम देखिबा तो प्रथम दुईटा चित्र एवं पिरीमिड माने सिंगल रिंग स्ट्रक्चर जेमकि तळे तीनटा चित्र प्यूरीन माने हेले एडेनाइन गुआनाइन शॉर्ट फॉर्म ताको ए आउ जी कहती एवं पिरीमिडिन माने हेले थायमिन साइटोसिन यूरासिल तो प्यूरीन और पिरीमिड पार्थक्य कौन ना प्यूरीन थिला तमरा डबल रिंग स्ट्रक्चर और पिरीमिडिन थिला तमरा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर तो सब बेले मन रखिले जो दीटा हमर न्यूक्लिक एसिड से डीएनए और आरएनए तो डीएनए रे चारटा थिबो नाइट्रोजिनस बेस चारि प्रकारर आरएनए रे भी सेमती चारि प्रकारर नाइट्रोजिनस बेस थिबो डीएनए रे को नाइट्रोजिनस बेस रहले ए टी जी सी एवं आरएनए रे ए यू जी सी आरएनए रे पिले टी न थाए कि टी बदल रे यू अछि तो स्ट्रक्चर गुडा देखिया को मन घुसिबा मन दरकार नहीं आकु ड्र करबे दरकार नहीं खाली इति मन ख जे प्यूरीन माने डबल रिंग स्ट्रक्चर एवं पिरीमिडिन माने सिंगल रिंग स्ट्रक्चर एबे से पिले सुगर को डीएनए और आरएनए रे फुल फॉर्म रे ही तांको सुगर मानको ना अछि जेमकि आरएनए रे अछि राइबो न्यूक्लिक एसिड तमने राइबो सुगर थिबारु ता ना होछि राइबो न्यूक्लिक एसिड आ द स्ट्रक्चर ता एई भली प्रकार रो टिके फ्रुक्टोज सहित सिमिलर आ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड रे से सेम राइबोज रु जस्ट गोटे नंबर टू पोजिशन रे जो लागि छि ओएच रु ओटा रिमूव होइ छि तमने गोटे ऑक्सीजन ते रिमूव होइ छि तेनको ता ना होछि डीऑक्सी राइबोज तन डीएनए आरएनए जो सुगर अछन ताको बस एतिकि पार्थक्य एबे पिले देखिया चलो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जहाँ कोई वाटसन क्रिक मॉडल बोली कहती ए दिन साइंटिस्ट डीएनए स्ट्रक्चर देखिए नोबेल प्राइज भी पाई डीएनए टा पिले डबल हेलिक्स बा दुईटा स्ट्रैंड रे गठित एवं दुईटा स्ट्रैंड परस्पर अपोजिट गोटे फाइव डैश टू थ्री डैश डायरेक्शन को जाता है आ गोटे थ्री डैश टू फाइव डैश डायरेक्शन जाता है तुम देखिए तो चित्र लिखाई थी थ्री टू फाइव फाइव टू थ्री डीएनए रो बैकबोन टा फॉस्फेट सुगर को लेकिन या नाइट्रोजनस बेसटा भितर आड़क सुगर लगी नाइट्रोजनस बेसटा गोटे स्ट्रांड रो आ गोटे स्ट्रांड रो नाइट्रोजन बेस संगे बॉन्डिंग करके लगी कौ बॉन्ड ना हाइड्रोजन बॉन्ड तो गोटे स्ट्रांड प्यूरीन आ गोटे स्ट्रांड पिरीमिडिन संगे बॉन्ड कर मन रखित पे प्यूरीन आ पिरीमिडिन भितर हाइड्रोजन बॉन्ड थाए जमी एडेनाइन सब थायमिन संगे बॉन्ड कर दुटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रे गुआनाइन सब साइटोसाइन रे बॉन्ड कर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रे तारे जदि हम गोटे स्ट्रैंड रो नाइट्रोजनस बेस दिहै थिबो आमे द्वितीय स्ट्रैंड रो नाइट्रोजन बेस को काढ़ी परिय मन कर ए अछि गोटे स्ट्रैंड रे माने तार अपोजिट स्ट्रैंड रे निहति हबरे टी थिबो ही थिबो आ गोटे स्ट्रैंड रे टी अछि माने ता अपोजिट रे ए थिबो ही थिबो गोटे स्ट्रैंड रे जी अछि माने ता अपोजिट रे सी थिबो एवं सी थिले ता अपोजिट रे जी थिबो त पिक्चर देखि जानि परथुओ तने डीएनए जो सीडी बले हेछि सीडी रो बाउंस गुडा को जो कडे कडे अछि सेते खाली फॉस्फेट सुगर रहिछि ए मझरे जो बाडी गुडा कछन्ति से गुडा खेले नाइट्रोजनस बेसेस जो माने कि हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंधित हेछन्ति एबे पिले देखिबा टाइप्स ऑफ आरएनए आरएनए रे सिंगल स्ट्रैंडेड जो थकि राइबो सुगर थाए एवं आ भितर नाइट्रोजनस बेसेस रहले एडेनाइन यूरासिल गुआनाइन आउ साइटोसिन एटि पिले थायमिन नै थायमिन बदले यूरासिल अछि तो आरएनए तीन प्रकार मेसेंजर आरएनए बा एमआरएनए जोटा कि प्रोटीन तयार करे ट्रांसफर आरएनए बा टीआरएनए जोटा कि अमीनो एसिड मानको ट्रांसपोर्ट करे कि प्रोटीन तयार रे सहाय करे बिकॉज़ तमे जानि छ अमीनो एसिड माने जॉइंट हे कि प्रोटीन तयार करिवे आउ राइबोसोमल आरएनए जोटा कि आरआरएनए को जाउ छि राइबोसोम तयार रे हेल्प करे सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायो मॉलिक्यूल्स द नेक्स्ट क्लास को आमे बायो मॉलिक्यूल्स रो किछि अलग पार्ट पढ़ा एंजाइम विषय पढ़ा एंड आई होप दैट विल बी मच मोर इंटरेस्टिंग देन दिस सो क्लास रे आमे आउ किछि एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा किछि एक्स्ट्रा गेम खेलिबा किछि एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन गैदर करिबा।